गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कोई बुद्ध की स्टोरी नहीं सुनाने वाली हूँ। मेरा आप सभी से एक अनुरोध है, कभी भी अपनी माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आप इसे मेरी विनती समझ सकते हैं। माँ बाप भगवान की दी हुई एक अनमोल अमानत है, इनकी जितनी कद्र करो उतनी कम है। एक माँ अपने बच्चे के लिए इतने सैक्रिफाइसेस करती है जितने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट एक चाइल्ड जब इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुआ होता, माँ बच्चे के पहले दिन से ही उसके लिए सैक्रिफाइसेस करना शुरू कर देती है। और बाप तो ऐसा होता है जैसे कड़ी धूप में ठंडी छांव का मिलना। एक पिता अपनी खुशियों को ताक पर रखकर अपने बच्चों एवं परिवार की देखभाल के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करता है, किंतु जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े होने लगते हैं वो उनकी वैल्यू भूल जाते हैं और कहते हैं उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है। उन्हें अपशब्द कहते हैं, उनके दिल को ठेस पहुंचाते हैं। क्या यही हमारी सभ्यता एवं संस्कृति है कि जिन्होंने हमारे लिए, हमारी खुशियों के लिए अपने सुखों एवं खुशियों का त्याग कर दिया हो, क्या हम उनको बुढ़ापे में थोड़ी सी इज्जत व प्यार नहीं दे सकते? हमारे पेरेंट्स हमसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, बस थोड़ा सा प्यार और रिस्पेक्ट। माँ बाप के लिए तो उनका बच्चा वर्ल्ड का बेस्ट चाइल्ड होता है, वो तो बस उनकी कामयाबी एवं सफलता की कामना करते हैं। वो बस इतना चाहते हैं कि उनका बच्चा कामयाब हो, सफल बने और एक सुखी जीवन व्यतीत करे। क्या आपको पता है जब एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठाती है तो अपनी कमर पे बैठाती है ताकि वह वो सब देखे जो वो देख सकती है, जहाँ तक उसकी नज़र जा रही है। किंतु जब एक पिता अपने बच्चे को गोद में उठाता है तो वह उसे कंधे पे बिठाता है। और पता है ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है ताकि वो बच्चा वो सब कुछ देख सके जो शायद उसके पिता ने ना देखा हो। यही अंतर है माँ बाप के प्यार में। प्यार तो दोनों ही बेहद करते हैं, लेकिन बच्चे ना जाने ये सब क्यों भूल जाते हैं। उनका प्यार, उनके सैक्रिफाइसेस, सब कुछ। कहते हैं हमारी अलग दुनिया है, अलग जिंदगी है। कई बार लोग खुद के माँ बाप से अलग रहने लगते हैं, या तो उन्हें घर से बाहर कहीं दूर वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। गाइस प्लीज, भगवान द्वारा दी गई अनमोल अमानत की कद्र किया करो। उनसे पूछो जिनके सर पर माँ बाप का साया नहीं होता। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें भगवान माँ बाप के रूप में स्वयं अपना अंश दे देते हैं। भगवान से बस यही प्रार्थना है, कभी किसी के भी माँ बाप का दिल ना दुखे और कोशिश किया करो उन्हें खुश रखने की। बुढ़ापे में अकेला, बेसहारा एवं लाचार महसूस करवाने की बजाय
उनके साथ खड़े रहें, उनकी ताकत बनकर। इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। दोस्तों, अपना एवं अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, खुश रहिए एवं स्वस्थ रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि जब बारिश ठहर जाती है तो छतरी बोझ लगने लगती है।